व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ डेविल। इसके लिए आपको चाहिए, मैंने लिया है यहाँ पे छः को बीच से काट लिया है। उसके बाद इसके लिए मैंने लिया है आलू, गाजर, बीट और मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। इसके बाद चाहिए आप लोग को बादाम, स्वाद अनुसार नमक, लहसुन जो मैंने चॉप काट लिया है, अदरक, धनिया, किशमिश, मिर्चा, प्याज, गरम मसाला पाउडर, मैदा, कॉर्नफ्लावर। मैंने यहाँ पे मैदा 3 चम्मच लिया है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, ब्रेड क्रम्स और चाहिए ऑयल। स्टार्ट करते हैं अब रेसिपी को बनाने के लिए। गैस को मैं ऑन कर रही हूँ, तब तक मैं यहाँ पे सबको मैश कर ले रही हूँ अच्छे से, काफ़ी मैश हो गया है सब। अब मैं कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ, 2 चम्मच ऑयल दीजिए। उसके बाद इसमें हमको हल्का सा फ्राई होने के बाद इसके बाद इसमें दीजिए लहसुन, ताकि आपको नया नया
गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ब्रेडक्रम्ब, ग्रेवी का मसाला बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ठंडा करने दी हूँ। जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसका बैटर बना ले रही हूँ। जो मैदा लिया था मैंने उसको मैदा फिर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लीजिए। पूरा पूरा करके इसमें पानी डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। बैटर ऐसा रहेगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मैं एक को ले लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर से के हाथों से मिक्स करना पड़ता है, ऊपर से मुझे थोड़ा जैसे ये करना है। इसको ब्रेड के हम एक बार लगा लीजिए। अच्छी तरह से इसको बैटर में डाल के उसके बाद इसको फिर से ब्रेड के में डाल के
ऐसे ही मैं सारे केक को मसाले भर के उसके बाद बना ले रही हूँ। तो मैंने इसको कोट कर लिया है अच्छे से मसाला से और ब्रेड क्रम से। इसके बाद मैं इसको आधे घंटे या तो एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये हार्ड हो जाए। साथ ही साथ फ्राई करने से ये आपका टूट भी सकता है, इसलिए आधे घंटे या तो एक घंटे के लिए आप फ्रिज में इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधे घंटे के बाद अब इस ये टाइट हो गया है। अब इसको मैं कढ़ाई में फ्राई करूँगी। पहले आप गैस को सीम में रखे, उसके बाद इसे अब बढ़ा दीजिए उसको। दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए ब्राउन हो गया अभी, और थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, फ्राई कीजिए इसको। ये मेरा फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। इसको मैं सर्व कर दिया है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब क्रिस्पी बना है, देख ही सकते आप। इसको आप लोग सॉस के साथ खा सकते हैं, शाम को बना नाश्ता बनाने के लिए अच्छा है। या ट्राई कीजिएगा ज़रूर इसको। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। तो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।